हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों, भारत हर साल करीब 356 बिलियन यूएस डॉलर के प्रोडक्ट इंपोर्ट कराता है और इनके अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इंडिया चाइना से खरीदता है। ऐसा कहा जाता है कि इस टोटल इंपोर्ट का 17% हिस्सा चाइना के थ्रू आता है। चाइना के बाद यूएसए, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया और स्विट्जरलैंड कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ से इंडिया काफी ज्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट कराता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो भारत सबसे ज्यादा विदेशों से खरीदता है? तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो भारत विदेशों से सबसे ज्यादा खरीदता है। नंबर 10, बोटिंग स्ट्रक्चर, बोट एंड शिप। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो शिप, बोट और बोटिंग स्ट्रक्चर को काफी ज्यादा इम्पोर्ट कराता है और भारत इन चीजों को सबसे ज्यादा चाइना से खरीदता है। इस सेक्टर में होने वाले इंपोर्ट का करीब 32% हिस्सा चाइना के थ्रू ही आता है। इसके साथ ही सिंगापुर भी एक ऐसी कंट्री है जहां से इंडिया इस तरह के प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराता है। नंबर 9, फोटोग्राफिक एंड मेडिकल इक्विपमेंट। इंडिया के अंदर इम्पोर्ट होने वाली चीजों में ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक और मेडिकल इक्विपमेंट का भी हिस्सा काफी ज्यादा होता है। दोस्तों, भारत के अंदर इस कैटेगरी के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूएसए कंट्री से आते हैं। इस कैटेगरी में होने वाले इंपोर्ट का करीब 19.9% हिस्सा सिर्फ यूएसए कंट्री से आता है। इसके अलावा चाइना और जर्मनी कुछ ऐसी कंट्री है जहां से इंडिया इस तरह के प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराता है और इनकी हिस्सेदारी टोटल इंपोर्ट के अंदर करीब 18 और करीब 14% की आती है। नंबर 8, आयरन एंड स्टील। एक साल के अंदर भारत करीब 8 बिलियन यूएस डॉलर का आयरन और स्टील का इंपोर्ट कराता है, जिनमें से सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना के थ्रू आता है। इसके अलावा साउथ कोरिया भी एक ऐसी कंट्री है जहां से भारत सबसे ज्यादा आयरन और स्टील खरीदता है। नंबर 7, एनिमल और वेजिटेबल फैट एंड ऑयल। इंडिया के अंदर एनिमल और वेजिटेबल फैट एंड ऑयल का भी इम्पोर्ट कराया जाता है। दोस्तों, इस कैटेगरी के अंदर होने वाले इम्पोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सा पाम ऑयल का होता है। भारत एक साल में करीब 1.8 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा का पाम ऑयल विदेशों से खरीदता है। इसके अलावा सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर सीड भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा इंपोर्ट कराए जाते हैं। इंडोनेशिया कंट्री पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के लिए दुनिया भर में जानी जाती है और ज्यादातर देश इंडोनेशिया के थ्रू ही पाम ऑयल खरीदते हैं। भारत भी अपना पाम ऑयल सबसे ज्यादा इंडोनेशिया के थ्रू ही खरीदता है। दोस्तों, इस कैटेगरी में होने वाले इंपोर्ट का करीब 35.2% हिस्सा सिर्फ इंडोनेशिया के थ्रू आता है। इसके अलावा अर्जेंटीना और मलेशिया कुछ ऐसी कंट्री है जो इस तरह के प्रोडक्ट भारत को एक्सपोर्ट करते हैं। नंबर 6, प्लास्टिक। भारत के अंदर होने वाले इंपोर्ट में प्लास्टिक की हिस्सेदारी हर साल बढ़ते हुए देखने को मिलती है। प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर एथिलीन पॉलीमर्स का इंपोर्ट भारत सबसे ज्यादा करता है। भारत करीब 2 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट इस कैटेगरी से एक साल में करता है। दोस्तों, इस तरह के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चाइना के थ्रू खरीदे जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है साउथ कोरिया और यूएसए कंट्री का। नंबर 5, ऑर्गेनिक केमिकल। भारत एक साल में करीब 14 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट ऑर्गेनिक केमिकल कैटेगरी से कर देता है। भारत सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिकल चाइना कंट्री से खरीदता है, जो भारत में आने वाले ऑर्गेनिक केमिकल का करीब 37.8% हिस्सा होता है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और सिंगापुर कुछ ऐसी कंट्री है जहां से भारत सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिकल खरीदता है और इनकी हिस्सेदारी करीब 10.2 और 7.1% के बराबर आती है। ऑर्गेनिक केमिकल का इस्तेमाल काफी सारी इंडस्ट्रीज करती है। नंबर 4, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड बॉयलर। भारत एक साल में करीब 32 बिलियन यूएस डॉलर का इम्पोर्ट इस कैटेगरी से करता है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर चाइना एक ऐसी कंट्री है जो इस तरह के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में टॉप पोजीशन पर आती है और इसीलिए इंडिया इस तरह के प्रोडक्ट को ज्यादातर इंपोर्ट चाइना के थ्रू कराती है। इसके अलावा यूएसए और जर्मनी कुछ ऐसी कंट्री है जो इस तरह के प्रोडक्ट इंडिया को बेचती है। नंबर 3, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट। भारत के अंदर होने वाले इंपोर्ट में इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट का भी हिस्सा काफी ज्यादा होता है। भारत एक साल में करीब 10 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीनरी कैटेगरी से करता है। दोस्तों, इंडिया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट चाइना, साउथ कोरिया और यूएसए कंट्री से खरीदता है
जिनमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट इंडिया चाइना से करता है और टोटल इंपोर्ट के अंदर चाइना की हिस्सेदारी करीब 56% तक होती है। इसके अलावा साउथ कोरिया और यूएसए करीब 6.6 और 4.6% का हिस्सा शेयर करते हैं। नंबर 2, प्रीशियस मेटल। दोस्तों, इंडिया एक साल में करीब 48 बिलियन यूएस डॉलर का प्रीशियस मेटल खरीदता है। इस कैटेगरी से होने वाले इंपोर्ट में भारत सबसे ज्यादा गोल्ड को खरीदता है। इसके अलावा भारत डायमंड का भी इंपोर्ट काफी ज्यादा कराता है। इस कैटेगरी के प्रोडक्ट भारत सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड कंट्री से खरीदता है और इस कैटेगरी में होने वाले इंपोर्ट का करीब 27% हिस्सा स्विट्जरलैंड कंट्री से आता है। इसके अलावा इस कैटेगरी में यूएई कंट्री का करीब 16% का हिस्सा होता है। साथ ही बेल्जियम भी एक ऐसी कंट्री है जो इस तरह के प्रोडक्ट भारत को बेचती है। दोस्तों, इस लिस्ट का आखिरी प्रोडक्ट जो भारत से ज्यादा विदेशी कंट्री से खरीदता है वे है मिनरल फ्यूल। दोस्तों, इस कैटेगरी के अंदर भारत सबसे ज्यादा क्रूड पेट्रोलियम ऑयल खरीदता है और क्रूड पेट्रोलियम ऑयल की हिस्सेदारी मिनरल फ्यूल ऑयल में करीब 17% की होती है। दोस्तों, भारत इस तरह के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया, रशिया, यूएई और इराक कंट्री से खरीदता है। दोस्तों, भारत एक ऐसी कंट्री है जो ज्यादातर मिनरल फ्यूल रॉ फॉर्म में खरीदता है। दोस्तों, आज के समय मिनरल फ्यूल एक ऐसे प्रोडक्ट है जो भारत सबसे ज्यादा विदेशों से खरीदता है और उसे प्रोसेस करने के बाद विदेशों को बेचता भी है। दोस्तों, भारत के अंदर होने वाले इंपोर्ट में करीब 25% तक हिस्सा मिनरल फ्यूल का होता है। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। इसी तरह की काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।